नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में एक और बड़ी शिक्षक बहाली आने वाली है और आपको बता दें कि इसको लेकर शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा सचिव एक बैठक भी किए हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि सितंबर लास्ट अक्टूबर तक जो है वो बिहार में एक और बड़ी बहाली को लेकर घोषणा हो सकती है और बीपीएससी एक बार और इस साल लगभग 1.5 लाख के आसपास शिक्षकों की बहाली को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, परीक्षा ले सकता है। खबरें जो निकल के आ रही है उसके मुताबिक बता दें अब आपको हम कि बिहार में जल्द शिक्षकों की एक और बड़ी बहाली होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए आगामी समय में भर्ती की तैयारी करने के लिए शिक्षा विभाग को तैयारी शुरू करने को कहा है। माना जा रहा है कि अगले माह अक्टूबर या नवंबर में नई बहाली के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग में रिक्त शिक्षकों के सभी पदों को जल्द भरने के लिए दिशा निर्देश दिया। प्रस्तावित भर्ती भी बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए कराया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बता दें आपको कि मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से वर्तमान शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के तत्काल बाद शिक्षक नियोजन की एक और तैयारी कराएं। हर हाल में प्रदेश में शिक्षकों की कमी को पूरा करना है। सीएम हाउस में हुई इस उच्च स्तरीय मीटिंग में शिक्षा विभाग को राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए टास्क दिया गया है। इसके अलावा इस मीटिंग में शिक्षा विभाग से जुड़े नीतिगत मामलों में भी चर्चा की गई। सूत्र बताते हैं कि इससे पहले मीटिंग में जो निर्देश दिए गए थे उनके पालन के संदर्भ में उठाए गए कदमों की जानकारी ली गई है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक हाल में ही शिक्षक नियोजन में बीएड डिग्री से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले पर भी अनौपचारिक चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर एक सरकारी कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में घोषणा की थी। इधर आपको बता दें हम कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने राज्य के प्लस टू स्कूलों में सितंबर से फरवरी तक के लिए कुछ खास विषयों में अतिथि शिक्षक नियुक्त किए जाने को लेकर गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा निर्देश दिए। इस शिक्षकों को विशेष रूप से अंग्रेजी और विज्ञान विषयों के लिए रखा जाएगा। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव ने कहा कि परीक्षा से पहले स्कूलों में हर हाल में पाठ्यक्रम पूरा हो जाना चाहिए। तो आपको बता दें कि ये तो उनकी अपने डिपार्टमेंट लेवल की जानकारी है और बिहार में एक और बड़ी शिक्षक बहाली आने का रूपरेखा लगभग तैयार होते हुए दिख रहा है। फिक्शन IAS सिविल सेवा BPSC UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। इससे पहले खबरें निकल के आ रही थी कि बहाली होगी, लेकिन आपको बता दें हम कि मुख्यमंत्री निवास पे शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव के सामने मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है कि बिहार के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी जो है वो किसी हाल में दूर किया जाए और इसको लेकर एक और बड़ी बहाली किया जाए। आपको बताएं कि बीपीएससी के द्वारा ही ये बहाली लिया जाएगा और 1.5 लाख के आसपास शिक्षकों की संख्या हो सकती है, तो बहुत बड़ी खबर है वैसे कैंडिडेट्स के लिए जो कि इस बार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने का मौका उनका चूक गया, उनके लिए मौका है। वैसे शिक्षक जिन्हें लगता था कि हमें फॉर्म डालना चाहिए था लेकिन नहीं डाल पाए, वो भी इसमें डाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक बनने के लिए बिहार में अभी अपार संभावनाएं हैं। 1,70,000 से अधिक शिक्षकों के लिए भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है, तो वही 1.5 लाख के आसपास और शिक्षकों की बहाली के लिए बहुत जल्द जो है बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। हो सकता है कि दुर्गा पूजा के आसपास आपको एक गिफ्ट के तौर पर सरकार 1.5 लाख शिक्षक बनने का मौका संबंधित नोटिफिकेशन की घोषणा कर दे। तो देखिए क्या होता है, अब इस पर रोज अपडेट आना शुरू होगा। कल उच्च स्तरीय बैठक हुई है, काफी अहम बैठक है और इसमें सबसे बड़ी बात बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी चर्चा की गई है। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।